ऑनलाइन गेम के चक्कर में आकर पुत्र ने पिता और बड़े भाई को लगाई 1.5 लाख की चपत। स्मार्टफोन के युग ने बच्चों को इस तरह से समेट लिया है कि इसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मोबाइल और ऑनलाइन गेम की ये लत इतनी खतरनाक होती जा रही है कि वे बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ माँ बाप के लिए भी अब खतरा बन गई है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मानसिक बीमारी के अलावा आत्मदाह जैसे दर्दनाक हादसे भी इस मोबाइल गेम्स की वजह से हो चुके हैं। एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से निकलकर सामने आया है। जिले के ग्राम सरई डीह थाना उरंगा निवासी रामकुमार पेकरा के छोटे भाई का बेटा, जो कि 8वीं कक्षा का छात्र है, अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑनलाइन गेम की वजह से अपने पापा और बड़े पापा के बैंक खाते से 1,50,000 की चपत लगा दी। खबरों के मुताबिक इस लड़के को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने की लत लग गई। ये एक ऐसा गेम है जिसमें तरह तरह के स्टेज पर अलग अलग भुगतान करने पड़ते हैं। यही वजह है कि इस बच्चे ने पहले अपने पापा के मोबाइल से फ्री फायर गेम डाउनलोड किया और उसमें अपने पापा के पेटीएम अकाउंट को लिंक कर दिया। जब अकाउंट से पैसे गायब होने के बारे में जानकारी हुई, इसके बाद उसने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अकाउंट से पैसा गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद साइबर सेल द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि सभी ट्रांजेक्शन पेटीएम के माध्यम से किए गए हैं। एक प्रार्थी है राम कुमार पेकरा, जो कि उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला है। इन्हें इनके द्वारा ये शिकायत दिया गया कि 2/7 से 6/7/2020 तक उनके अकाउंट से पैसे लगातार डिडक्ट हो रहे हैं। इसके संबंध में इन्होंने शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिया था और इन्होंने ये बताया था कि लगभग 80,000 रुपये उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। इसकी जांच साइबर सेल के द्वारा की जा रही थी तो ये पता लगा कि यह जो अमाउंट जो डिटेक्ट हो रहा था वो पेटीएम के माध्यम से हुई थी। जब पेटीएम को साइबर सेल के द्वारा ये आवेदन किया गया कि उक्त जो पैसा डिडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो पेटीएम के द्वारा हमको दिया गया ये जानकारी दी गई कि फला मोबाइल नंबर जिसका आईपी एड्रेस ये है उसके उस मोबाइल नंबर में अपलोड पेटीएम के माध्यम से हुई है। उस पेटीएम के बारे में जब जानकारी प्राप्त किया गया है तो वह पेटीएम उनके छोटे भाई के नाम से था। जब उसके छोटे भाई से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में कुछ सी भी प्रकार की मेरे को जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो वो मोबाइल नंबर और उसके आईपी एड्रेस को जब डिटेक्ट किया गया तो ये पता लगा कि ये इसके जो छोटे भाई है उसका जो लड़का है जो 8वीं कक्षा पढ़ता है, नाबालिग है, उनके द्वारा वह पेटीएम संचालित की जा रही थी। चूँकि उसके पिताजी के अकाउंट में पैसा ख़त्म हो गया था, जो उन्हीं के द्वारा खेलते वक्त ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने फिर से उसको अपडेट किया किसके साथ, अपने बड़े पापा के एटीएम कार्ड से। उनके बड़े पापा जॉब में काम में चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो अपने कपड़े को एक उसमें टांग के जाते हैं, तो ये लड़का बार बार उसको वॉच करता था। उसके बड़े पापा के जो कमीज का जो शर्ट है उसमें एटीएम रखा हुआ था, उस एटीएम को ला करके पेटीएम में उन्होंने उसको अपलोड किया और उसके माध्यम से ये जो है खेल है फायर, फ्री फायर और पबजी, इस तरीके से खेले ऑनलाइन खेला करते थे। और उसमें बार बार जब अलग अलग इनका श्रेणियां रहती हैं जैसे डायमंड श्रेणी और गोल्डन श्रेणी इस तरीके का, उसमें हर बार कुछ कुछ पैसे का डिमांड रखा जाता है, तो वो हर बार इसको अलाउ में परमिट करते रहा। और इस तरीके से लगभग 80,000 रुपये का इन्होंने 4 दिन में पूरी तरह से खेल खेला है और अपने आप ये पैसा ट्रांजेक्शन होते रहा इस तरीके से। और आठवीं कक्षा का है, लगभग 14 साल का होगा, तो इस तरीके से ऑनलाइन खेल के माध्यम से इतनी पैसे को बिना ग्राहक के जानकारी के खेल के माध्यम से चला गया है। और ये पहले भी अपने पिताजी के जो अकाउंट है उससे खेल रहा था, उसमें लगभग दोनों मिला करके लगभग 1.5 लाख रुपये का ये नुकसान इसमें हुआ है। और चूंकि ये परमिट करते गए हैं इसलिए इस तरीके का जो खेल होता है उसमें पैसा भी रिफंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है फ्रॉड नहीं है, ये जो खेलने वाला है उसने खुद परमिट कर करके खेला है, तो ये नहीं हो पाएगा, इसको रिफंड नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी अभिभावक और गार्जियंस लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को वर्तमान में जिस प्रकार से शिक्षा प्रणाली है, ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियाँ चल रही हैं, तो अपने बच्चों को जब आप एंड्रॉयड मोबाइल देते हैं और दुनिया भर के उसमें
एप्स डाउनलोड रहते हैं, तो उसके प्रति सतर्कता रखें कि आपका बच्चा कहीं इस आपके अकाउंट को लेकर के या आपके एटीएम के माध्यम से कोई पेटीएम वगैरह या इस तरीके से ऑनलाइन जो मार्केटिंग होती है उसमें कहीं इंगेज तो नहीं है और आपकी लाखों की जो कमाई है वो पल भर में उड़ सकती है। अतः आप सभी सावधान रहें और सतर्क रहें, अपने बच्चों को मोबाइल खेलते समय ध्यान रखें।